हेलो फ्रेंड्स, आज के दिन इन्वेंचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटी के क्वार्टर फोर्थ के रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं, तो इन पे हम अभी डिस्कशन करने वाले हैं। डायरेक्ट अभी हम चलते हैं लेटेस्ट स्लाइड के ऊपर एंड यहाँ पे यदि देखें तो सबसे पहले कंपैरिजन भी कर लेंगे क्वार्टर थ्री एंड क्वार्टर फोर्थ के बीच एंड ईयरली बेसिस पर भी कंपेरिजन कर लेंगे। थोड़ी सी यहाँ पर PDF साफ नहीं है, बट आप यहाँ पर एडजस्ट कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर कंपनी के द्वारा ऐसी PDF यहाँ पर सबमिट की गई है। उसके साथ सबसे पहले यदि हम क्वार्टर थ्री की बात करें, क्वार्टर थ्री 2022, तो इस समय जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जनरेट होने को दिखा है वो है 753 करोड़, तो 753 लाख, सॉरी यहाँ पे जो भी वैल्यू होने वाली है वो लाख में होने वाली है, तो 753 लाख की रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 31 मार्च 2022 को यहाँ पे देखने को मिली। उसके पहले यदि हम एक यहाँ पे क्वार्टरली लास्ट क्वार्टर में यदि देखें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो वो यहाँ पे 976 लाख की थी, सॉरी यहाँ पे जो भी वैल्यू मैं पहले बता दिया आपको लाख में होने वाली, तो 976 लाख, इस समय 753 करोड़, तो जो यहाँ पे गिरावट देखी गई है वो यहाँ पे लगभग 140 लाख की गिरावट देखी गई है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। यदि हम करोड़ में बात करें तो 1 करोड़ 40 लाख की यहाँ पे गिरावट है। वही यदि ईयरली बेसिस पे हम बात करें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में, तो सबसे पहले हम यहाँ पर 2021 का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चेक कर लेते हैं जो ईयर एंडेड के लास्ट में होता है, तो वो 2544 लाख का था उस समय। देन यदि इस समय की बात करें तो इस समय काफ़ी ज़्यादा बड़ा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सामने निकल के आया है 3283 लाख का। यदि करोड़ में हम बात करें तो पिछले साल यहाँ पर 25 करोड़ 44 लाख थी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, देन यदि इस समय बात करें तो 32 करोड़ 83 लाख रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखने को मिली है, तो जबरदस्त बढ़त है 700 लाख की, मतलब 7 करोड़ की रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में यहाँ पे बढ़त निकल के आ रही है। यदि टोटल इनकम की भी बात करें तो टोटल इनकम जो यहाँ पे लास्ट क्वार्टर में यहाँ पे लगभग 10 करोड़ 27 लाख थी, वो अभी इस समय 9 करोड़ 14 लाख की टोटल इनकम देखने को मिली, तो टोटल इनकम में थोड़ी सी गिरावट है क्वार्टरली बेसिस पर। बट यदि ईयरली बेसिस पर बात करें तो यहाँ पर टोटल इनकम आप यहाँ पर साफ देख पा रहे हो, क्योंकि जो लास्ट ईयर 2021 में टोटल इनकम थी वो 3139 लाख थी, 31 करोड़ 39 लाख। देन यदि इस समय की बात करें तो इस समय वो यहाँ पे ओनली इस समय 38 करोड़ 98 लाख, तो अच्छी खासी बढ़त है। यदि हम बढ़त की बात करें तो यहाँ पे लगभग 7 करोड़ की बढ़त है, 7 करोड़ की बढ़त यहाँ पे शो हो रही है टोटल इनकम में। उसी के साथ यदि हम एक्सपेंडिचर की बात करें तो इस समय कंपनी ने जो यहाँ पे खर्चे किए वो 675 लाख के होने वाले, एंड यदि लास्ट ईयर की बात करें तो वो यहाँ पे 605 लाख के हुए थे, तो खर्चे भी थोड़ी से ज़्यादा कंपनी ने कर दिए, 605 से 675, मतलब लगभग 70 लाख के इन्होंने खर्चे इस क्वार्टर में ज़्यादा कर दिए। उसी के साथ यदि बात करें ईयरली बेसिस पर, तो लास्ट ईयर इन्होंने जो खर्चे किए थे वो यहाँ पर 20 करोड़ 25 लाख थे, एंड इस समय जो किए वो 28 करोड़ 80 लाख, तो यहाँ पर कंपनी खर्चे कर रही अपने ऑपरेशंस को बड़ा करने में, कंपनी यहां पे खर्चे कुछ ज्यादा करी। उसके साथ अभी हम डायरेक्ट बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की, तो बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स भी हम बात कर लेंगे। सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर टैक्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर टैक्स देने के पहले जो यहाँ पर प्रॉफिट सामने निकल के आई है वो इस समय 239 करोड़ की है, लास्ट क्वार्टर में वो यहाँ पर 422 करोड़ की थी, तो यहाँ पर भी गिरावट है। बट यदि ईयरली बेसिस पर बात करें तो वो यहाँ पर 1114 करोड़ थी, जो अभी इस समय 1018 लाख देखने को मिली है, तो यहाँ पे यदि आप देखें सभी वैल्यूज़ यहाँ पे लाख्स में होने वाली है, मैं कहीं कहीं करोड़्स बोल दे रहा हूँ, बट आप यहाँ पे एडजस्ट कर लीजिए जो भी यहाँ पे वैल्यूज़ है वो यहाँ पे लाख्स में होने वाली है, तो जरूर यहाँ पे प्रॉफिट में कमी देखने को मिली है। बट यहाँ पे एक चीज़ है कि पॉजिटिव में रिजल्ट देखने को मिले हैं, रिजल्ट में यहाँ पे पॉजिटिविटी है, कोई भी नेगेटिविटी नहीं, कंपनी को यहाँ पे प्रॉफिट ही हुआ है। यदि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, डायरेक्ट यहाँ पे जो मेन होता है मेन सेक्शन, तो इस समय जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हुआ है वो 144 लाख का है। यदि करोड़ में बात करें तो 1 करोड़ 44 लाख का यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखने को मिला, जो यहाँ पे लास्ट ईयर मतलब लास्ट क्वार्टर में 2 करोड़ 65 लाख का देखने को मिला था, तो थोड़ी सी गिरावट जरूर है बट अभी भी यहाँ पे पॉजिटिविटी है, कंपनी लगातार यहाँ पे प्रॉफिट बनाने में कामयाब रही है। यदि लास्ट ईयर की बात करें तो यहाँ पे 768 लाख का प्रॉफिट था, जो इस समय 755 लाख का होने को दिखा है, तो यहाँ पे थोड़ी सी गिरावट है, 15 लाख की गिरावट है, इतनी बड़ी गिरावट नहीं है, अभी भी 7 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट इन कंपनियों में देखने को मिला है इन्वेंचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटी में, तो काफ़ी ठीक ठाक यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट्स होने वाले हैं। इसके साथ अभी हम यहाँ पर डायरेक्ट चलते हैं
बेसिक ईपीएस के ऊपर, यदि ईपीएस की बात करें जो कंपनी का यहाँ पे ईपीएस निकल के आया है वो अभी इस क्वार्टर में 2 पैसे पर शेयर का निकल के आया है, जो यहाँ पे लास्ट क्वार्टर में 3 पैसे पर शेयर था। तो ईपीएस में थोड़ी सी गिरावट है, जो यहाँ पे गिरावट है 1 पैसे पर शेयर की ईपीएस में गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है। वही यदि अगली बार बात करें तो यहाँ पे 9 पैसे पर शेयर ईपीएस चल रहा है, तो एक अच्छा खासा ईपीएस यहाँ पे ईयरली वाइज चल रहा है। पेनी शेयर्स में जहाँ तक यहाँ पे ईपीएस का सवाल है तो वो नेगेटिव में ही चलता है। एंड उसी के साथ यदि हम बात करें कंपनी को और भी रिजल्ट्स के, पूरे फाइनेंशियल्स एसेट्स के भी रिजल्ट्स आ चुके हैं, तो यहाँ पे हम लेटेस्ट डिस्कशन में यहाँ पे कर लेते हैं। सबसे पहले यदि हम कैश देखें कंपनी के पास, तो इस समय जो कैश है वो 352 लाख का है। सभी वैल्यूज यहाँ पे मैं एक बार चेक कर ले रहा हूँ, हाँ लाख में होने वाली है, जो यहाँ पे लास्ट ईयर 1600 लाख का था, मतलब 16 करोड़ के ऊपर का था। इस समय ओनली यहाँ पे 3 करोड़ का देखने को मिला है, 352 लाख का कैश यहाँ पे फाइनेंशियल एसेट में देखने को मिला है। उसी के साथ यदि हम बात करें यहाँ पे और मेन फैक्टर जो भी होने वाले उनकी, अभी हम डायरेक्ट बात कर लेते हैं। जो यहाँ पे मेन फैक्टर सेकंड मेन फैक्टर रहने वाला है वो यहाँ पे टोटल एसेट्स का है। यदि हम यहाँ पे टोटल एसेट बात करें तो सारे एसेट इसमें आ जाएंगे। तो इस समय जो टोटल एसेट है वो यहाँ पे 219 करोड़ 98 लाख, 219 करोड़ 98 लाख के यहाँ पर टोटल एसेट रहने वाले, जो यहाँ पर लास्ट ईयर 204 करोड़ 8 लाख के थे। तो यहाँ पर टोटल एसेट में जबरदस्त बढ़त है Q3 2022 में, तो एक अच्छी खासी बढ़त यहाँ पर टोटल एसेट में भी शो हो रही है। यदि आपको यहाँ पर रिजल्ट्स अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल पर यदि फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। उसी के साथ यदि हम इक्विटी शेयर कैपिटल की बात करें, तो इस समय जो इक्विटी शेयर कैपिटल निकल के आ रही है वो 84 लाख है, 84 करोड़ इक्विटी। वही यदि हम सब टोटल इक्विटी की बात करें तो वो यहाँ पे निकल के आ रही है 164 करोड़, जो लास्ट ईयर 156 करोड़ थी, तो जबरदस्त यहाँ पे बढ़त है। उसी के साथ लाइबिलिटीज़ की बात करें तो लाइबिलिटीज़ में भी कोई कमी नहीं आई है, क्योंकि जो इनकी लाइबिलिटीज़ यहाँ पे 204 करोड़ की थी वो इस समय 219 करोड़ की, तो 204 करोड़ की लास्ट ईयर लाइबिलिटी थी, इस समय 219 करोड़ की, तो लाइबिलिटी में जबरदस्त बढ़त है, जो यहाँ पर नेगेटिविटी है, क्योंकि लाइबिलिटीज़ बढ़ना कोई भी कंपनी के लिए नेगेटिविटी देती है। उसी के साथ मैंने आपको यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, सेल्स रेवेन्यू सारा कुछ यहां पे बता दिया है, और बकाया यहां पे बहुत रिजल्ट्स काफी ब्रॉड रहते हैं, ईयरली रिजल्ट्स हैं। यदि आप इन्हें चेक करना चाहें तो आप वीएससी की साइट्स पे डायरेक्ट जाके भी यहां पे चेक कर सकते हैं। तो आज के दिन रिजल्ट्स आए थे, आपको रिजल्ट्स कैसे लगे आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बकाया मार्केट को यहां पे मार्केट जैसे ही खुलता है मार्केट के सामने रिजल्ट्स आएंगे, यहां पे ट्यूसडे के दिन मार्केट ओपन होने वाला है, मार्केट को रिजल्ट्स कैसे लगते हैं वो यहां पे आपको ट्यूसडे को पता चलेंगे। एक्सपेक्टेशन से मुताबिक रहते हैं, एक्सपेक्टेशन से बिलो यहाँ पर रिजल्ट्स रहते हैं। यदि आप सारे रिजल्ट चेक करना चाहें तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं, वो सब यहाँ पर डिस्कशन करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, बट मैंने आपको मेन पैराग्राफ बता दिए कि इस समय क्या रहने वाला है। यदि आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल पर फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दें यदि जिनको इन सब चीज़ों की जरूरत हो। अभी हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।